अमेरिकी कंपनी उबर की इसी कैब में हुए रेप कांड ने पूरे देश में हंगामा मचा रखा है। कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं तो कहीं सियासी घमासान चल रहा है। इन सब के बीच देश में चलने वाली कैब सेवाओं को लेकर नया सियासी घमासान मचा है। रेप कांड के बाद कल दिल्ली सरकार ने उबर कैब के राजधानी में संचालन पर रोक लगा दी थी, लेकिन आज केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने फैसले पर अलग राय रखी। हम इसके बाद में जो सिस्टम ला रहे हैं उसमें डिजिटलाइज सिस्टम से पूरे लाइसेंस वालों का एक ही जगह डाटा रहेगा और उसका बैकग्राउंड और डिटेल जानकारी पूरी रहेगी। कोई डुप्लीकेट लाइसेंस नहीं बना पाएगा और उसका रिकॉर्ड भी पूरी तरह से रहेगा। जिसने एक बार अगर कोई गुनाह किया होगा तो उसके सामने वो जानकारी होगी और उसके कारण ये समस्या खड़ी नहीं होगी, हम इसको चेक कर सकेंगे। गडकरी के मुताबिक ड्राइवर का रिकॉर्ड खराब है और साथ ही लाइसेंस जारी करने के सिस्टम में खामी है जिसे दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एक नई डिजिटल तकनीक लाई जाएगी ताकि सभी ड्राइवरों का ट्रैक रिकॉर्ड देखा और रखा जा सके। लेकिन इससे अलग केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में कहा कि केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी है कि वेब आधारित टैक्सियों का चलाया जाना बंद कर दिया जाए। ऐसे सर्विस प्रोवाइडर जिन्हें राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा लाइसेंस नहीं दिया गया है को तब तक टैक्सियां नहीं चलाने दी जाएं अथवा सेवाएं नहीं मुहैया कराने दी जाएं जब तक कि वे राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अपना रजिस्ट्रेशन न करवा लें। इस बीच राजधानी में मोबाइल ऐप पर आधारित सभी कैब सर्विस प्रोवाइडर्स पर पाबंदी लगा दी गई है। उबर कंपनी पर तत्काल प्रभाव से रोक के ठीक बाद सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके तहत राजधानी में सिर्फ 6 कैब सर्विस को रेडियो टैक्सी चलाने की अनुमति दी गई है। इसमें ईजी कैब, मेगा कैब, मेरू कैब, चैनसन कैब, यो कैब और एयर कैब शामिल हैं। अपुष्ट आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में अब तक करीब 20 कैब सर्विस प्रोवाइडर कार्यरत थे। कहा यह भी जा रहा है कि राजधानी में अधिकतर कैब कंपनियों के पास खुद के ड्राइवर नहीं हैं और न ही अपनी गाड़ियां हैं। ये एक चेन सिस्टम के तौर पर एक दूसरे से जुड़कर काम करते हैं। इनमें वो ड्राइवर भी शामिल हैं जो अपनी गाड़ियां चलाते हैं और किसी न किसी कैब सर्विस प्रोवाइडर से जुड़े हुए हैं। उधर चंडीगढ़ प्रशासन ने शहर में 3 रेडियो टैक्सियों को छोड़कर बाकी सभी को गैर कानूनी करार दिया है। ये 3 कंपनियां हैं मेगा कैब्स, RBTS और फैब कैब्स। मुंबई में पुलिस ने सभी 28 प्राइवेट टैक्सी ऑपरेटर पर शिकंजा कसते हुए आदेश दिया है कि वो अपने ड्राइवर का डाटा पेश करें ताकि दिल्ली जैसी घटनाओं को रोका जा सके। उबर पर देश में ही नहीं विदेशों में भी शिकंजा कस रहा है। थाईलैंड और नीदरलैंड में भी उस पर पाबंदी की तैयारी शुरू हो गई है। रेडियो टैक्सियों पर उठ रहे तमाम सवालों के बीच रेडियो टैक्सी एसोसिएशन ऑफ इंडिया आज सामने आई और उसने खुद को उबर से अलग करते हुए सरकार से मांग की कि वो बिना लाइसेंस वाली ऐप पर आधारित कैब्स को नियमित करने के लिए कदम उठाए। संगठन का कहना है कि रेडियो टैक्सियां सुरक्षित हैं और इनकी छवि खराब नहीं की जानी चाहिए। दुखद इंसिडेंट को देखते हुए हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि और इम्प्रूवमेंट किया जाए, स्पेशली लेडीज और चिल्ड्रन की जहां भी ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होगी उसको हम पूरी कोशिश करेंगे कि और माइन्यूटली मैनेज मॉनिटर किया जाए। एसोसिएशन के मुताबिक देश में कुल 19 रेडियो टैक्सी कंपनियां हैं जिसमें 25,000 कैब चल रही हैं। कंपनियां भले ही खुद को पाक साफ बता रही हों लेकिन एक बात तो तय है कि उनमें तमाम कमियां हैं जिन्हें फौरन दूर करने की जरूरत है। नीरज सिंह के साथ न्यूज़ नाइट डेस्क, TD News।